हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहमानी किंगडम के बारे में। देखिए, विजयनगर एम्पायर हो गया, बहमानी किंगडम हो गया, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेना तो चांसेस ये होते हैं कि आप भूलेंगे नहीं। भूलते हम किस में, जैसे कि मुगल एम्पायर है वो इतना बड़ा है तो हम भूल जाते हैं कौन से राजा ने क्या किया। वैसे ही दिल्ली सल्तनत है, 5 डायनेस्टीज़ हैं, उसमें भी इतने सारे राजा हैं तो हम भूल जाते हैं किसने क्या किया। हम सिर्फ ये याद रखते हैं अच्छा कुतुब मीनार किसने बनाई, अच्छा उसको कंप्लीट किसने किया, फिर हम आगे भूल जाते हैं उस पर जब लाइटनिंग पड़ी थी, बिजली गिरी थी तो उसको किसने ठीक करवाया था। ये ऐसा है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इनको भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इनमें से क्वेश्चंस भी आने ही हैं, क्योंकि अब वैसे जो फेमस चैप्टर्स या फेमस यूनिट्स होते हैं उनमें से तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया। तो बस आज हम जो पढ़ेंगे वो है बहमानी किंगडम। पूरा का पूरा हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। सिर्फ 2 लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर की तरह बहुत लंबा नहीं है ये। विजयनगर एम्पायर थोड़ा लंबा था इसे, प्लस बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये पढ़ने के लिए। इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैंने पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स हर एक रूलर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो वीक रूलर था उसके बारे में भी बताया कि वो वीक था, इनकैपेबल था। प्लस जो तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक है ना, उसमें भी आपको इतने अच्छे से कंटेंट नहीं मिलेगा जितने अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो पेपर पेन हाथ में लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। सो सबसे पहले तो बहमानी किंगडम कब बना, कहाँ से आया, एकदम से कहाँ से आया। सो इट डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत मुहम्मद बिन तुगलक। इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी वहाँ पे तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, मुहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 5 डिज़ास्ट्रस डिसीजंस मेड बाय मुहम्मद बिन तुगलक, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी का यूज़, कराची एक्सपेडिशन, है ना, ये सब हमने पढ़े थे उनके 5। तो बस उन्हीं सुल्तान की बात हो रही है। उनके टाइम में क्या हुआ था, कुछ विद्रोह हुए थे, वहीं से विजयनगर एम्पायर भी अलग बना, बहमानी किंगडम भी अलग बना था, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहमानी किंगडम था ये दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था। मोस्ट पावरफुल मुस्लिम किंगडम, सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली मुस्लिम किंगडम ये माना जाता है। अब इसके फाउंडर कौन थे, हसन गंगू थे। 1347 में इसको फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था इस एम्पायर को। रियल नेम क्या था हसन गंगू का, इस्माइल मुख था। इनका टाइम पीरियड रहता है 1347 से 1358 तक। कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग थी। विजयनगर की कैपिटल क्या थी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाउ ही टुक टाइटल ऑफ, इन्होंने कौन सा टाइटल लिया, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह का टाइटल लिया, ठीक है। गेव गुलबर्ग अ न्यू नेम, इन्होंने गुलबर्ग को एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया, एहसानाबाद, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग हिज डेथ बहमानी किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस। जब डेथ हुई थी हसन गंगू की, उस टाइम के बाद जो बहमानी किंगडम था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सी थी वो 4 प्रोविंसेस, बिदार, बिरार, दौलताबाद एंड गुलबर्ग। इन 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था हमारा जो बहमानी किंगडम था ये अर्लियर। लेकिन इससे पहले की बात करें, सो दीज वर अंडर हसन गंगू, पहले ही हसन गंगू के अंडर थे, बट जैसे ही उनकी डेथ हुई ये 4 हो गए हमारे अलग। नाउ हिज सक्सेसर्स, अब हसन गंगू की तो डेथ हो गई, इन्होंने सिर्फ फाउंड किया, कैपिटल रखी, कैपिटल का नाम रखा, टाइटल लिया, फिर हो गई उनकी डेथ। उसके बाद कौन से राजा आए, तो उनके सक्सेसर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, इसमें सारे वैसे ही हैं, 2-3 राजा जिनके बारे में कुछ पढ़ने के लिए, बाकी सब ऐसे ही हैं, बट मैंने नोट्स कंप्लीट बनाने थे इसलिए मैंने सारे बनाए हैं। आप चाहें तो 1-2 राजाओं को स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मुहम्मद शाहवान है, इनके बारे में खास बातें क्या हैं, 2-3 बातें हैं। पहला तो आप टाइम पीरियड का थोड़ा सा आइडिया रख लो, 1358 से 1375 तक। एल्डेस्ट सन ऑफ हसन गंगू, हसन गंगू के सबसे बड़े बेटे थे, हैड ट्रबल सम रिलेशंस विद विजयनगर एम्पायर। बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर, इन दोनों के बीच में हमेशा रिश्ते जो हैं वो ख़राब ही रहे थे, ठीक है, क्योंकि साथ साथ में थे। अब जिन भी 2 जगहों की बाउंड्री साथ में मिलती है वहाँ पे तो लड़ाई होती है, तो वैसा ही इनके पास था, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ये क्वेश्चन आता है कि 8 मिनिस्टर्स के काउंसिल किसने बनाई थी, मुहम्मद शाह वन ऑफ बहमानी किंगडम ने बनाई थी। डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किसने किया, ये क्वेश्चन भी आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहम्मद शाह वन ने किया। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, इनके बारे में सिर्फ ये, इनके बारे में आप देखिए कुछ भी नहीं है, 1375 से 1378 टाइम पीरियड था। हैड ट्रबलसम रिलेशंस विद विजयनगर एम्पायर, सेम इनके टाइम पे भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे। मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इनके टाइम में क्या हो गया, रायचूर दोआब जो है मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया था इनके टाइम में, ठीक है। 2 सुल्तान हमने पढ़ लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोहम्मद शाह टू। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ही वॉज अ मैन ऑफ पीस। ये इकलौता ऐसा सुल्तान था बहमानी किंगडम का जो काफ़ी शांत सुल्तान था। सेटअप मोनेस्ट्रीज, पब्लिक स्कूल, सोसाइटी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मठों की स्थापना की, पब्लिक स्कूल्स खोले, ठीक है, इनके बारे में इतना ही है। अब आते हैं तुजुद्दीन फिरोज शाह, जो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे यहाँ के, ठीक है, इनके बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप ज़रा शांति से बैठ जाएं पेशेंस के साथ। वैसे ये बहुत भी नहीं है, 4-5 पॉइंट्स हैं, बट एज कंपेरिजन टू अदर सुल्तान्स ऑफ बहमानी किंगडम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो ड्यूरिंग हिज रियान बोथ द किंगडम्स वर इन वॉर। इनके टाइम पे पूरा घमासान युद्ध चल रहा था, वॉर चल रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस रूलर ऑफ बहमानी, बहमानी किंगडम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस रूलर थे ये। ही वॉन्टेड टू मेक साउदर्न इंडिया एज द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। जो साउदर्न इंडिया है उसको कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे इंडिया का। ही इंक्लूडेड, ये क्वेश्चन आता है कि कौन जो है वो साउदर्न इंडिया को कल्चरल सेंटर या कल्चरल हब ऑफ इंडिया बनाना चाहता था, तो उसका आंसर होगा तुजुद्दीन फिरोज शाह। ही इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इनके प्रशासन में बहुत सारे हिंदूज थे। फाउंडेड फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना भी इन्होंने की ऑन द बैंक ऑफ भीमारी पर। डिफीटेड देवराया वन, देवराया वन के बारे में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे डैम बनाए थे, है ना। श्रीनाथ इनके पोइट थे, जिनको कवि सर्व भूमा कहा जाता था। निकिटिन निकोलो कॉन्टी इनके टाइम में आए थे, अगर आपको याद होगा, आपने मेरी विजयनगर एम्पायर की वीडियो देखी होगी तो। सो ही डिफीटेड देवराया वन, ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी एट दौलताबाद। दौलताबाद में इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी खोली थी। पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स ऑफ किंगडम चौल एंड दभोल विच अट्रैक्टेड ट्रेड ships फ्रॉम Persian Gulf एंड रेड सी। इन्होंने जो है पोर्ट होते हैं बंदरगाह, उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, चौल एंड दभोल इन दोनों पर, जिसकी वजह से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इनका, किस किस के साथ, Persian Gulf के साथ और रेड सी के साथ, ठीक है। अब देखिए, तुजुद्दीन फिरोज शाह का हो गया काम कम्प्लीट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, राइट। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, ओके। सो अब हमें पढ़ना है अहमद शाह वन के बारे में। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ब्रदर ऑफ तुजुद्दीन, तुजुद्दीन के भाई थे ये, ठीक है। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी गुलबर्ग से बिदार के लिए। बिदार को उन्होंने नया नाम दिया था मुहम्मदाबाद, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वाली एंड संत, ठीक है। बिदरी केव जो बनी थी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इनके टाइम में बनी थी। अब देखिए, अहमद शाह वन के बाद आते हैं राजा अलाउद्दीन टू। कोई इनके बारे में पढ़ने लायक स्टेटमेंट नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। हुमायूं के बारे में एक ही चीज़ है जो पढ़ने वाली है, वो है दैट ही वॉज अ वेरी क्रूल रूलर, तो इनको जालिम भी कहा जाता था। फिर आते हैं निज़ाम शाह, इनके बारे में भी नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि पेपर पेन हाथ में लें और नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, थोड़ी सी देखी और ऐड टू वॉच लेटर कर दी और बस। फिर तो नोट्स बनाने की आदत डालें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ नोट्स बनाएं। आपके बिलीव में बहुत, देखिए मैं इतने ज़्यादा वीडियोस तो एक दिन में डालती हूँ, तो आपके नोट्स तो बहुत जल्दी बन जाने चाहिए। इस हिसाब से आपके दो दो सब्जेक्ट्स एक महीने में कवर हो जाएंगे, तो दो सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास होंगे, वो भी आपके बनाए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट अब जो आते हैं वो हैं मोहम्मद शाह थ्री। इनके बारे में भी हैं कुछ बातें पढ़ने के लिए। एक्चुअल पावर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय महमूद गवन। एक्चुअल पावर जो थी मोहम्मद शाह थ्री की, वो महमूद गवन के पास थी। महमूद गवन पूरा रूल करते थे, इनके मिनिस्टर थे। इनको टाइटल दिया गया था ख्वाजा जहां का, किसको, महमूद गवन को। अब अगर आप तमिलनाडु हिस्ट्री बुक उठाएंगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा बहमानी की इंट्रोडक्शन होगी, बहमानी किंगडम की, और उसके बाद महमूद गवन के बारे में दिया होगा एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं दिया होगा जो मैंने पढ़ाया, कि जालिम किसे कहते थे, या फिर साउदर्न इंडिया को कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया बनाने का किसने सोचा, मैन ऑफ पीस कौन था, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो महमूद गवन को टाइटल दिया गया था ख्वाजा जहां का। बहमानी किंगडम रीच्ड इट्स जीनिथ अंडर महमूद गवन। बहमानी किंगडम अपने टॉप पे पहुंचा महमूद गवन के टाइम में। अब ये कौन थे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है दो लाइनों में इनकी। पर्सियन मर्चेंट थे, इंडिया में आए थे जब ये 40 साल के थे। कौन, महमूद गवन की बात हो रही है। ही ज्वाइंट बहमानी किंगडम, बहमानी किंगडम उन्होंने ज्वाइन किया। काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहे वो किंगडम के लिए। ही वॉज अ लर्न्ड पर्सन, मिलिट्री जीनियस, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी उनके पास, मैथमेटिशियंस भी थे वो। नाउ ही वॉन कोंकण, गोवा एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये सब एरिया उन्होंने जीत लिया था।
नाउ ईच प्रोविंस, अब हुआ क्या कि हर एक प्रोविंस में रॉयल ऑफिसर्स रखे गए। अब रॉयल ऑफिसर्स को कुछ ऑब्वियसली रखे गए तो उनको कुछ काम भी दिया होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी होंगी, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से उठा नहीं सके, जिसकी वजह से अलाउंस डिडक्ट। अब महमूद गवर्न ने क्या किया, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसके पैसे काटने स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ, जितने भी नोबल्स थे या रॉयल ऑफिसर्स थे उनको काम तो करना नहीं होता था, उनके तो मज़े लग रखे थे वैसे ही। तो अब हुआ क्या कि अब जब उनकी सैलरी कटने लगी तो वो महमूद गवर्न के अगेंस्ट हो गए एंड एग्जीक्यूटेड हिम, उसको मरवा दिया या मार दिया जो भी किया। बस इसी चीज़ की देरी थी एंड दस बहमानी किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन। यहाँ से जो बहमानी किंगडम था उसका डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया। नाउ अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कालीम उल्लाह शाह। ये कौन थे, ये लास्ट रूलर थे बहमानी किंगडम के। बहमानी किंगडम डिस इंटीग्रेटेड इंटू 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत्स। अब इनके बाद से क्या होता है कि जो बहमानी किंगडम थी वो पूरे 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिवाइड हो गई। अहमदनगर, बीजापुर, इस पार्ट को स्किप नहीं करना, इसके ऊपर पूरी अलग से हिस्ट्री है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद हम क्या करेंगे और इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है। पहले 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स जान लेते हैं जो बहमानी के टूटने पर बने, वो थे अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, गोलकुंडा, बिदार। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना बहमानी किंगडम का, वो कंप्लीट हो गया। अब जो ये हैं, अब इनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि अहमदनगर में कौन से राजा आए, बीजापुर में कौन से राजा आए, बिरार में कौन से आए, गोलकुंडा में कौन आए, बिदार में कौन आए, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर इसमें अपलोडिंग में भी इशू रहेगा और आपको भी बोरिंग लगेगी वीडियो। तो आप इस जो मैंने आज पढ़ाया बहमानी किंगडम, इसके नोट्स बना लें, और जब मैं ये अपलोड करूँगी तब आप इसके नोट्स बना लेना, तब तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी तक मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज़ कंप्लीट कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम राइट नाउ इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं, तो कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी हो जाए सब कुछ कंप्लीट। हर एक चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।